हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है। क्या आप क्रुएला को जानते हो? सोचिए थोड़ा। हाँ, मैं तो जानता हूँ। बचपन में एक कार्टून शो आता था, 101 डलमेशियन, याद होगा शायद आप सबको। मुझे तो है, क्योंकि मैं कार्टून बहुत ज्यादा देखता था। तो जैसा कि कार्टून में इनका नाम था क्रुएला डेविल, काम भी बिल्कुल वैसा ही था, बिल्कुल शैतान की अम्मा जैसा। ये डिज्नी फैमिली की एक विलन है, जिसकी लाइव एक्शन मूवी की स्टोरी जानने के लिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है डिज्नी के चमकते चमकते और थोड़े डार्क क्रेडिट के साथ। एक बच्ची को पैदा होते दिखाते हैं, जिसके बाल ब्लैक एंड व्हाइट कलर में होते हैं। तब उसे हैरत भरी निगाहों से देखते हैं। हाँ, क्यों ना देखें, क्योंकि वो थी ही अजीब। लेकिन जैसे वो थोड़ी बड़ी हुई, उसकी माँ समझने लगती है कि ये सिर्फ दिखने में अलग नहीं है, खुद भी दुनिया को अलग नजरिए से देखती है। एक दिन माँ बेटी दोनों मिलकर कपड़े से कुछ बना रहे होते हैं। बच्ची एक अजीब से डॉल बनाती है। तब मॉम उसे समझाती है कि इसे बनाने का भी कुछ सलीका होता है। ये सुन के वो उसकी मॉम ने जो बनाया होता है उसे फाड़ देती है। तब मॉम कहती है, कितना क्रूर, तुम्हारा नाम स्टेला है, क्रुएला नहीं। स्टेला स्कूल जाने के लिए मॉम के साथ खड़ी होती है। तभी बैकग्राउंड में स्टेला की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि मैं मॉम को चैलेंज नहीं कर रही थी, पूरी दुनिया को कर रही थी, और मॉम ये जानती थी, इसलिए वो परेशान रहती थी। और वो मुझे समझाती रहती है कि तुम अच्छी बच्ची हो, शरारत मत करना, क्रुएला को अपने ऊपर हावी मत होने देना। लेकिन जैसे स्टेला स्कूल के अंदर जाती है, वो अपने कोट को उल्टा करके पहन लेती है, जिसमें उसने कुछ डिजाइन बनाए होते हैं। वो वहाँ बच्चों से दोस्ती करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग उसका ये कहकर मजाक उड़ा देते हैं, तुम्हारे सर पर जबरा उगाया है, तुमसे दोस्ती कौन करेगा। एक लड़की जिसका नाम अनीता होता है, वो उससे बात कर रही होती है। तभी वो लड़के उसके ऊपर च्युइंगम फेंक देते हैं। और अगले सीन में स्टेला उस लड़के की धुलाई कर रही होती है। स्कूल में सब उसे बहुत परेशान करते हैं। एक दिन सब बच्चे मिलकर उसे कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, जहां उसे एक डॉगी मिलता है। वो डॉगी को अपने घर ले आती है और उसका नाम बडी रखती है। स्कूल में अनीता डार्लिंग नाम की एक लड़की उसकी दोस्त बन जाती है, जिसका नाम लेकर वो कहती है कि हाय, कितना प्यारा नाम है। स्टेला स्कूल में इतनी शरारत करती है कि एक दिन हद ही हो जाती है, और प्रिंसिपल उसकी मॉम को स्कूल में बुलाते हैं और उनके सामने ये कहने वाले होते हैं कि मैं आपकी बेटी को स्कूल से निकाल रहा हूँ। स्टेला की मॉम उनके कहने से पहले ही कह देती कि मैं अपनी बेटी को आपके इस घटिया स्कूल से निकाल रही हूँ, आपका स्कूल बहुत बुरा है, और जाहिर है आपसे पहले मैंने अपनी बेटी को स्कूल से निकाला है, तो इसके रिकॉर्ड में यही लिखा जाएगा कि मैंने अपनी बेटी को स्कूल से निकाला है। माँ बेटी दोनों वो शहर छोड़कर जा रहे होते हैं। बैकग्राउंड में स्टेला कहती है कि जीनियस होना एक चीज है, पर जीनियस को पालना इतना भी आसान नहीं होता। स्टेला का बचपन से सपना होता है कि वो एक फैशन डिजाइनर बने, जो कि उसे अब स्कूल से निकाल दिया गया है। तो उसकी मॉम कहती है कि हम लंदन जा रहे हैं, जहां तुम फैशन डिजाइनिंग सीख सकती हो। स्टेला मॉम को एक फोटो दिखा के पूछती है कि क्या हम यहाँ चल सकते हैं। तब उसकी मॉम कहती है कि हाँ, फाउंटेन पार्क जरूर जाएंगे, वहाँ जाकर दोनों चाय पीते हुए सोचेंगे कि हम लंदन में कैसे रहेंगे। लेकिन उससे पहले हमें नई शुरुआत करने के लिए एक दोस्त के घर जाकर उससे मिलना होगा और थोड़ी मदद लेनी होगी। ये सुन के स्टेला कहती है कि मदद क्यों लेंगे। तब मॉम कहती है कि जिन हालातों में हम अभी हैं, मदद तो लेनी ही पड़ेगी। ये सुन के स्टेला थोड़ा उदास होकर कहती है कि मॉम, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि कभी आपको परेशान नहीं करूंगी। उसके बाद वो लोग एक महल जैसे घर की तरफ बढ़ते हैं, जिसे देख के स्टेला कहती है, मुझ जैसी लड़की को शरारत न करने का वादा लेकर ऐसी जगह पे लाना अच्छी बात नहीं है। स्टेला वहाँ की चकाचौंध देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसकी मॉम थोड़ी सीरियस मूड में अपने गले से नेकलेस उतार रही होती है। स्टेला कहती है कि अच्छी है, क्यों उतार रही हो। तो मॉम कहती है कि इसे ना पहनूं यही बेहतर रहेगा। वह स्टेला को देख के कहती है कि ये तुम्हें मिलेगा, खानदान की निशानी है। और कार से उतरने से पहले मॉम वो नेकलेस स्टेला को पहना देती है और उसे कार में रुकने के लिए ही कहती है। स्टेला के अजीब बाल किसी को दिखना ये सोच के मॉम उसे एक टोपी पहनाकर वहाँ से चली जाती है। पर स्टेला वो वहाँ कहाँ रुकने वाली थी, वो कार से निकलकर छुपते हुए घर के अंदर पहुंच जाती है। लेकिन अंदर बड़ी इधर उधर घूमने लगता है, उसे पकड़ने के लिए स्टेला उसके पीछे जाती है। एक अनजान बच्ची को देखकर उस घर के तीन अजीब से कुत्ते उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। स्टेला उनसे बचने के लिए बाहर की तरफ भागती है। उसकी मॉम वहाँ एक औरत से बात कर रही होती है। स्टेला भागते भागते गिर जाती है और कुत्ते उसके ऊपर से गुजर जाते हैं और उसकी मॉम की तरफ भागते हुए उन्हें पहाड़ी से गिरा देते हैं। स्टेला चुपके से यह सब देख लेती है, वो वहीं बैठकर रोने लगती है। स्टेला सोचती है कि उन डॉग्स ने इसके कारण ही मॉम पर हमला किया और वो गिर गई। वो मॉम की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मान लेती है। स्टेला एक ट्रक में छिपकर भाग जाती है और लंदन शहर में उसी फाउंटेन के पास पहुंचती है जहां मॉम उसे ले जाने वाली थी। वो रोते हुए वहीं सो जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वहां उसे दो लड़के मिलते हैं। एक का नाम जैस्पर होता है, जो थोड़ा अक्लमंद टाइप होता है, दूसरे का नाम हॉरिस होता है, जो बहुत होता है। वो दोनों वहाँ चोरी कर रहे होते हैं। उन तीनों की बात हो ही रही होती है कि वहाँ पुलिस आ जाती है। दोनों लड़के भागने लगते हैं। पुलिस को आते देख स्टेला भी उन लड़कों के पीछे भागने लगती है और भागते भागते वो उनके खुफिया ठिकाने तक पहुँच जाती है और उनसे पूछती है कि ये कौन सी जगह है। तब जैस्पर उसी से पूछता है कि तुम बताओ कि तुम कौन हो और तुम्हारे मॉम डैड कहाँ है। ये सुनकर स्टेला रोते हुए बताती है कि मेरी माँ मर गई। ये सुनकर जैस्पर कहता है तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन उसका भाई कहता है नहीं, तुम ये क्या कह रहे हो। तो जैस्पर कहता है इस लड़की के मासूम चेहरे को देखकर लोग तक जाएंगे और हमें चोरी करने में आसानी होगी। तब स्टेला सोचने लगती है कि वो एक फैशन डिजाइनर बनने वाली थी और अब चोर बनने वाली है। जैसे ही स्टेला अपनी टोपी उतारती है, दोनों
करके उसके बालों को देखकर हैरान हो जाते हैं। स्टेला उनसे कहती है कि मुझे अपने बालों को कलर करना होगा, नहीं तो पुलिस मुझे पहचान लेगी। यहाँ सीन चेंज होता है, स्टेला बड़ी हो गई है, 10 साल बीत गए होते हैं। वो उन्हीं लड़कों जैस्पर और हॉरिस के साथ रहती है। वो तीनों साथ मिलकर चोरियां करते हैं। स्टेला बताती है कि वो बहुत अच्छे नकली गेटअप बनाती है जिससे हम बड़े होटलों में चोरियां करते हैं। हम तीनों बिल्कुल एक फैमिली की तरह ही रहते हैं और हमारे पास चोरी करने का एक खूबसूरत काम भी है। लेकिन स्टेला हमेशा यह सोच के उदास हो जाती थी कि उसे एक फैशन डिजाइनर बनना था, यह उसकी मॉम का सपना था। अगली रात स्टेला के बर्थडे के दिन जैस्पर उसे गिफ्ट में एक अपॉइंटमेंट लेटर देता है जो कुछ गड़बड़ कर लाया होता है। वो वहाँ के सबसे अच्छे डिजाइनर कपड़ों के शॉप की नौकरी का होता है जहाँ जाने का स्टेला हमेशा से सपना देख रही थी। लेटर देख के स्टेला बहुत खुश हो जाती है। सुबह वो उसी फाउंटेन के पास आकर अपनी मॉम को इस बारे में बताती है और कहती है कि अब उसे बस गुमनाम रहकर कामयाब होना है। अगले दिन वो शोरूम में काम करने जाती है लेकिन वहाँ हमें पता चलता है कि वो लेटर एक सफाई करने वाले के काम के लिए था। लेकिन स्टेला हार नहीं मानती। वो हमेशा वहाँ के मैनेजर के पीछे पड़ी रहती है कि सर मेरे पास एक डिजाइन है इन कपड़ों के लिए। मैनेजर हमेशा स्टेला को कहकर टाल देता कि जिस काम के लिए आई हो चुपचाप वही काम करो। बाहर कचरा फेंकते समय कचरा उसी के ऊपर गिर जाता है। जब वो अंदर जाती है तो उसके बॉस उसे इस हालत में देखकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और स्टेला को अपने ऑफिस में बुलाकर उसे पूरे स्टोर को साफ करने को कहते हैं। सफाई करते हुए स्टेला को बहुत देर हो जाती है। वो अपने बॉस के ऑफिस में रखी शराब को पीने लगती है। फिर वो नशे में शॉप के विंडो डिस्प्ले में लगी डॉल का पूरा हुलिया बिगाड़ देती है और नशे में वहीं बेहोश हो जाती है। सुबह उसके बॉस ये सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होकर स्टेला को निकालने वाले होते हैं। तभी उन्हें आकर कोई बताता है कि बैरनेस आ रही है सामने के दरवाजे से। बैरनेस उस समय की सबसे बड़ी फैशन डिजाइनर होती है। वो स्टोर के अंदर आकर बॉस से उस विंडो डिस्प्ले के बारे में कहती है कि इतना अच्छा विंडो डिस्प्ले मैंने कभी नहीं देखा, यहाँ ये किसने बनाया। बॉस स्टेला की ओर इशारा करते हैं। बैरनेस उसे अपना कार्ड देकर कहती है सुबह 5 बजे यहाँ काम करने के लिए पहुंच जाना। अगली सुबह स्टेला वहाँ पहुंच जाती है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसे अच्छा काम मिल गया था। बैरनेस एक पेपर आर्टिकल पढ़ के सबको बताती है कि उसका पिछला फैशन शो परफेक्ट था, सब ने उसकी बहुत तारीफ की, अब मेरा नया फैशन शो भी ऐसा ही होना चाहिए। ये कहकर वो सबको काम पर जाने के लिए कहती है। बैरनेस का असिस्टेंट स्टेला को कहता है कि तुम अभी कुछ अच्छा बनाकर दिखाओ। थोड़ी देर बाद बैरनेस डिजाइन चेक करने आती है। स्टेला की डिजाइन की हुई ड्रेस उसे बहुत पसंद आती है। स्टेला देख के बहुत खुश हो जाती है। वो बाहर यूं ही घूम रही होती है, उसे एक स्टोर के डिस्प्ले में बहुत अच्छी ड्रेस दिखाई देती है। स्टोर में उसकी मुलाकात आर्टी से होती है जो उसके ही जैसे ड्रेसेस बनाने में एक्सपर्ट होता है। वो स्टेला को ड्रेसेस दिखाने लग जाता है। अगले दिन स्टेला बैरनेस को कुछ लोगों से बात करते हुए देखती है। वो उनकी बेइज्जती करके वहाँ से बाहर निकाल देती है। बैरनेस बहुत ही अड़ियल और घमंडी किस्म की औरत होती है। वो स्टेला को अपने साथ काम करने के लिए रख लेती है। स्टेला की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम में कुछ तो बात है। स्टेला बहुत खुश होकर ये बात अपनी मॉम को बताने के लिए उसी फाउंटेन के पास जाती है। अगले दिन वो बैरनेस के साथ काम कर रही होती है। बैरनेस के गले में उसे वही नेकलेस दिखता है जो उसकी मॉम ने उसे दिया था। बैरनेस से नेकलेस के बारे में पूछने पर वो बताती है कि ये उसका खानदानी नेकलेस है, एक बार इसे मेरी सेक्रेटरी ने चुरा लिया था। अचानक स्टेला के मुंह से निकल जाता है कि नहीं, नहीं चुराया था। स्टेला हड़बड़ी में बात को बदल देती है और वो बैरनेस से उस सेक्रेटरी के बारे में जानने की कोशिश करती है। स्टेला जान जाती है कि जिस दिन उसकी मॉम उस पहाड़ी से गिरी थी वो बैरनेस से ही मिलने आई थी लेकिन उसने मदद नहीं की। स्टेला जैस्पर और हॉरिस को सब बात बताती है और कहती है कि वो नेकलेस मेरी मॉम का था और अब मैं उसे लेकर ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे उसे चुराना ही क्यों ना पड़े। स्टेला उस नेकलेस को चुराने का प्लान करती है। वो बैरनेस के पूरे घर को चेक करती है कि कहाँ कैमरे लगे हुए हैं और कहाँ गार्ड्स किस टाइम पर खड़े होते हैं। स्टेला चोरी के लिए पार्टी का दिन डिसाइड करती है जब सब मेहमान बिजी होंगे। स्टेला कहती है कि हमें बस सबका ध्यान भटाना होगा और इस ध्यान भटाने के लिए मुझे पता है क्या करना है। ये काम स्टेला नहीं कर सकती, ये काम क्रुएला करेगी। जैस्पर और हॉरिस उसकी मदद के लिए वहाँ चूहे पकड़ने वाले बन के जाते हैं और तब पार्टी में एंट्री होती है क्रुएला की। सब उसे ही देखने लगते हैं। गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। गार्ड्स क्रुएला को बैरनेस के पास पकड़ कर लाते हैं। तब वो देखती है कि नेकलेस तो बैरनेस के गले में ही है। इधर हॉरिस को गार्ड्स चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं। बैरनेस क्रुएला से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, जाहिर है तुम्हें मुझसे ही काम है, तभी तो तुमने मेरा ध्यान खींचने के लिए सब ड्रामा किया। क्रुएला उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे जैसा ही पावरफुल बनना है। इस पर बैरनेस कहती है कि अगर तुम पावर की बात करते हो मतलब वो तुम्हारे पास नहीं है। तब स्टेला कहती है कि हाँ वो मेरे पास नहीं है तभी तो यहाँ आई हूँ। जैस्पर पार्टी में बहुत सारे चूहे छोड़ देता है जिससे वहाँ भगदड़ मच जाती है। मौका देख के क्रुएला नेकलेस चुराकर अपने डॉग बडी को देकर उसे भागने को कहती है। तब बैरनेस एक सीटी जैसी कोई चीज बजाती है जिससे उसके डलमेशन कुत्ते बडी को पकड़ने के लिए दौड़ने लगते हैं। बैरनेस को सीटी बजाते देख के क्रुएला को याद आता है कि बचपन में उस रात पार्टी में उसने उसे देखा था। तब वो समझ जाती है कि उसकी मॉम की मौत का कारण बैरनेस ही थी, उसने ही डॉग्स को सीटी बजाकर मॉम पर हमला करने को कहा था। इधर वो डॉग दौड़ते दौड़ते उस नेकलेस को निगल जाते हैं। तब वो जैस्पर और हॉरिस को बताती है कि बैरनेस ने उसकी मॉम को मारा है और
मैं आज तक इस गलत फहमी में थे कि मॉम की मौत मेरे कारण हुई। रात में वो सोचते हुए कहती है कि गम के 5 पहलू होते हैं, इंकार, गुस्सा, समझौता, उदासी और मंजूरी, पर मैं एक और जोड़ना चाहूंगी, बदला। सुबह वो कुछ अजीब सा बिहेवियर करते हुए जैस्पर और हारिस से गुस्से में बात करती है। वो उन्हें कहती है नेकलेस किसी एक डॉगी के पेट में है, हमें डॉग्स को किडनैप करना होगा। तब वो लोग डॉग्स को किडनैप कर लाते हैं। आगे वो अपनी दोस्त अनीता डार्लिंग जो अब एक कैमरामैन है उससे जाकर मिलती है। वो उसे कहती है कि कब तक तुम उस बुढ़िया बैरनेस की खबरें छापती रहोगी, अब मार्केट में मैं हूँ, मेरी फोटोज छापो, मेरी मदद करो और उन्हें बताओ कि मैं कौन हूँ। उसके बाद वो आर्टी से जाकर मिलती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थोड़ी बदमाशी करने के लिए। तो आर्टी कहता है कि हाँ क्यों नहीं, बदमाशी करना मुझे बहुत पसंद है। क्रुएला एक फैशन इवेंट के दिन बैरनेस के सामने जाने का सोचती है। वो एक बहुत ही अजीब सी डिजाइनर कपड़े पहन के जाती है जिसमें सब बैरनेस को भूलकर उसकी तरफ ही देखने लगते हैं। उसकी एंट्री इतनी शानदार होती है कि सब देखते ही रह जाते हैं। अनीता उसकी बहुत सी फोटो ले लेती है। अब हर न्यूज़पेपर में क्रुएला ही छाई होती है। बैरनेस ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो अपने लोगों को कहती है कि उसे ढूंढो और इसके बारे में सब पता करो। बैरनेस अपने सब एम्प्लॉयज को बुलाकर कहती है कि अगले फैशन शो के लिए मुझे एक सिग्नेचर पीस चाहिए। वो स्टेला को बुला के पूछती है कि क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है, लेकिन बैरनेस उसके डिजाइन को देखकर बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। स्टेला के पूछने पर कि क्या आप परेशान लग रही है बैरनेस, वो कहती है कि उस क्रुएला ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, तुम इधर उधर की बात छोड़ो और मुझे एक अच्छी डिजाइन बना कर दो। लेकिन बैरनेस को स्टेला पर शक हो जाता है और जब स्टेला लंच के समय बाहर बैठकर एक डिजाइन बना रही होती है तो बैरनेस उसकी डिजाइन को चुरा कर अपने सिग्नेचर पीस बना लेती है। स्टेला कहती है कि वो मेरा लंच टाइम था। तो बैरनेस कहती है कि तुमने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा क्या, तुम्हारा टाइम और डिजाइन सब मेरे हैं। वो अपने वकील से कहती है कि क्रुएला पर कुछ भी केस लगाकर उसे जेल के अंदर डलवाओ। तो वकील कहता है कि नहीं मैडम, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसने अभी तक जो भी किया है वो गैर कानूनी ही है। उसकी इतना कहते ही बैरनेस उसे नौकरी से निकाल देती है। वो अपने सिग्नेचर पीस ड्रेस के वर्क के लिए कुछ मंगवाई होती है जिससे हॉरिस नकली डिलीवरी बॉय बनकर वहाँ छोड़ने आता है। स्टेला को ड्रेस का पूरा काम करते करते रात हो जाती है। सुबह ड्रेस इतनी सुंदर दिख रही होती है कि सब उससे नजरें नहीं हटा पा रहे होते। इतनी सुंदर ड्रेस देख के बैरनेस कहती है कि मेरा एक और कमाल, हम धमाल मचा देंगे। वो स्टेला को अपने साथ ड्रिंक पर चलने के लिए कहती है। वहाँ रेस्टोरेंट में वेटर बियर बॉटल को ओपन नहीं कर पा रहा होता है। बैरनेस उसके हाथ से बॉटल छीनकर खुद उसे खोलती है। उसका ढक्कन उछलकर वेटर के आंख को लग जाता है। बैरनेस स्टेला से क्रुएला के बारे में बात करते हुए कहती है कि हाँ उसमें हिम्मत और काबिलियत है मेरे ही जैसे, लेकिन या तो वो या फिर मैं, और इन दोनों में मैं अपने आप को ही चुनूंगी। रात को जैस्पर और हॉरिस बैरनेस के ऑफिस में घुस जाते हैं जहां वो सिग्नेचर प्रिंट ड्रेस रखी होती है। वो यहां चोरी करने नहीं आए होते। उनका इरादा बस इतना होता है कि बैरनेस को लगे कि ड्रेसेस की डिजाइन चुराने क्रुएला यहां आई थी। सुबह जब बैरनेस को चोरी के बारे में पता चलता है तो वो अपने बेस्ट ड्रेसेस को जिन्हें वो अपने अगले फैशन शो में प्रेजेंट करने वाली होती है एक बड़ी तिजोरी के अंदर रखवा देती है। लेकिन स्टेला चलाकी से वहां एक पिन फंसा देती है ताकि दरवाजा खुले ही ना, और ऐसा ही होता है। फैशन शो के दिन कितनी मशक्कतों के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुल रहा होता। बाहर सब मेहमान शो के शुरू होने का इंतजार कर रहे होते हैं। आखिरकार जब तिजोरी खुलती है तो वहां से बहुत सारे कीड़े मकोड़े बाहर निकलते हैं, वो पूरी जगह में फैल जाते हैं। बैरनेस की सारी ड्रेसेस खराब हो गई होती है। ये सब देख के बैरनेस समझ जाती है कि स्टेला ही क्रुएला है और ये सब उसका ही काम है। सब लोग कीड़ों के कारण भागते हुए बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि बाहर उसी फाउंटेन के पास क्रुएला का शो चल रहा होता है। वहाँ आर्टी गाना गाते हुए पागलों जैसा नाच रहा होता है और उसके बाद क्रुएला की एंट्री होती है, वो भी नाचने लगती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और सब भागने लगते हैं। बैरनेस की नजर जैस्पर और हॉरिस पर पड़ जाती है। वो उन्हें पहचान जाती है कि स्टेला के साथी थे। क्रुएला जब घर पहुंचती है तो देखती है कि बैरनेस और उसके लोगों ने जैस्पर और हॉरिस को बांध कर रखा है। क्रुएला बैरनेस से कहती है कि लड़ाई हम दोनों के बीच है, इन दोनों बेवकूफों को यहां से जाने दो। तब बैरनेस कहती है जाने तो मैं नहीं दूंगी लेकिन ये सीधे जाएंगे जेल में, वो भी तुम्हारे मर्डर के इल्जाम में। उसके बाद बैरनेस के लोग क्रुएला को पकड़कर एक कुर्सी से बांधकर वहां आग लगा देते हैं। उन लोगों के जाने के बाद वो वहां से निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नहीं निकल पाती। बेहोशी की हालत में वो देखती है कि वहां कोई आ रहा है। अगले सीन में जब क्रुएला को होश आता है तो वो किसी के घर में सुरक्षित होती है। ये वही बैरनेस का सबसे करीबी गार्ड होता है जिसने क्रुएला की जान बचाई होती है। वो आग से उस नेकलेस को भी बचा कर लाया होता है। वो क्रुएला को दिखाता है कि वो नेकलेस एक छोटे से बक्से की चाबी है जिसमें बैरनेस का कुछ राज छिपा है। वो कहता है कि इसमें तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट है, तुम बैरनेस की बेटी हो। बैरनेस को बच्चे पसंद नहीं थे लेकिन जब उनके पति को खबर मिली कि वो डैड बनने वाले हैं, उन्होंने खुशी में एक खानदानी नेकलेस बैरनेस को दिया। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ मैं वही था, उस दिन तुम्हारे डैड शहर में नहीं थे। बैरनेस ने मुझे तुम्हें ठिकाने लगाने का हुक्म दिया लेकिन मुझे तुम्हें बचाना था, इसलिए मैंने वहाँ काम करने वाली एक औरत को तुम्हें सौंप दिया। फिर वो तुम्हें लेकर वहाँ से दूर चली गई। बैरनेस ने तुम्हारे डैड से कह दिया कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। वो ये गम सहन नहीं कर पाए और चल बसे। वो आदमी कहता है कि आप ही बैरनेस की सारी संपत्ति की मालकिन हो। ये सब सुन के क्रुएला गुस्से में कहती है कि नहीं, मैं उस घटिया औरत की बेटी नहीं हो सकती, और वो बाहर चली जाती है। क्रुएला उस फाउंटेन के पास आकर अपनी मरी हुई माँ से बात करते हुए कहती है कि आपने हमेशा मुझे बहुत प्यार किया, शायद आपको हमेशा से डर था कि मैं अपनी असली माँ बैरनेस की तरह सिरफरी ना हो जाऊं, पर मैं क्या करूं, मैं हूं
हूँ ही बुरी, अक्लमंद और थोड़ी पागल। मैं उसकी तरह नहीं बल्कि उससे बेहतर हूँ। इधर पुलिस आकर बैरनेस को बताती है कि हमें क्रुएला की बॉडी नहीं मिली है, लेकिन हमने उन दोनों लड़कों को जेल में भेज डाल दिया है। अगले सीन में क्रुएला उन्हें बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में ट्रक घुसा देती है। सब इधर उधर भागने लगते हैं। जैस्पर और हॉलिस जेल से भाग जाते हैं। क्रुएला पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग जाती है। उन दोनों से मिलकर वो सारी सच्चाई उन्हें बताती है। ये सुनकर जैस्पर कहता है कि तभी तुम इतनी खतरनाक हो। आगे क्रुएला उनसे कहती है कि बैरनेस की चैरिटी पार्टी कुछ ही दिनों में होने वाली है, मैं वहीं सबके सामने उसे बेनकाब करूंगी। हमें बस उस पार्टी में आने वाले मेहमानों की लिस्ट, उनकी ड्रेस और लुक्स बदलने होंगे। फिर मेरे पास एक प्लान है। वो सभी मेहमानों को अपनी बनाई हुई ड्रेसेस भेजकर कहती है कि उन्हें पार्टी में ही पहन कराना है। पार्टी के दिन सभी औरतें क्रुएला की जैसी ड्रेस पहनी होती है। बैरनेस ये देख के समझ जाती है कि वो यहीं कहीं है, उसी ने ये चाल चली है, और सभी गार्ड्स को एक कमरे में बंद कर देता है। क्रुएला चुपके से बैरनेस के हाथ से डॉग्स बुलाने वाले सिटी को चुरा लेती है और स्टेला का रूप ले लेती है। बैरनेस के उसे बाहर की तरफ खींचने लगते हैं। बाहर आकर बैरनेस देखती है कि स्टेला ही सीटी बजाकर डॉग्स को बुला रही होती है। वो डॉग्स को स्टेला के ऊपर छोड़ देती है, लेकिन डॉग्स स्टेला को कुछ नहीं करते, वो वहीं उसके पास बैठ जाते हैं। उसके बाद वो बैरनेस को अपनी सच्चाई बताती है। ये सुनकर बैरनेस चौंक जाती है कि स्टेला उसी की बेटी है। वो कहती है कि हाँ, तभी तो तुम इतनी काबिल हो, मुझे कब से किसी अपने जैसे की ही तलाश थी। इधर पार्टी में जैस्पर सबको कहता है कि बैरनेस ने सबको बाहर बुलाया है। बैरनेस अपनी बातों में स्टेला को बहलाने की कोशिश करते हुए इसके करीब आकर उसे पीछे खाई में धक्का दे देती है। पीछे सब लोग बैरनेस को ऐसा करते हुए देख लेते हैं। तब बैरनेस नाटक करते हुए कहती है कि वो खुद कूद गई, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मेरी बातों का यकीन करो। लेकिन सब ने उसकी सच्चाई देख ली होती है। पुलिस बैरनेस को पकड़ कर ले जाती है। स्टेला क्रुएला बन के वापस आ जाती है। वो कहता है कि बुरे लोगों की एक खासियत होती है, वो जानते हैं कि सामने वाला कुछ करेगा, इसलिए हम पहले से उस समय के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मैं बच गई, क्योंकि स्टेला ने पहाड़ी से गिरते वक्त जो ड्रेस पहनी थी उसमें पैराशूट लगा हुआ था। क्रुएला वहां सबको बताती है कि स्टेला, जो कि इस प्रॉपर्टी की मालकिन थी, उसने सब मेरे नाम कर दिया है। मूवी के एंड में दिखाते हैं कि क्रुएला और उसके दोस्त बैरनेस के महल जैसे घर में आकर रहने लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इफ यू लाइक और डिसलाइक, प्लीज पोस्ट अ कमेंट बिलो।